फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द रेडिएंट क्लासेस। पिछले क्लास में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ा था और आज हम एशियन गेम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। मैं कम समय का वीडियो बनाऊंगा और इफेक्टिव बनाऊंगा। एशियन गेम्स, एशियाई खेल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर इसकी सबसे पॉइंट मैंने पॉइंट पर पॉइंट करके लेके चला जिससे आपको नोट बनाने में भी इजी हो और याद करने में भी इजी हो। चलिए देखते हैं इसका शुरुआत। 4 मार्च 1951 को, यानी 1951 ईस्वी में इस पहली बार एशियन गेम्स खेला गया दिल्ली में, हमारे भारत में आयोजित किया गया एशियन गेम्स। बेसिकली इसमें जो भी एशिया के जितने भी देश हैं, सिर्फ एशिया के देश ही इसमें भाग लेते हैं और बाकी खेलों की तरह इसका भी आयोजन चार साल के अंतराल पर किया जाता है। 4 मार्च 1951 को इसकी शुरुआत की गई, यानी पहला संस्करण एशियाई गेम का 1951 ईस्वी में दिल्ली में खेला गया। थोड़ा सा बात और इसमें जान लीजिएगा कि यह दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया था 1951 ईस्वी में। इस एशियन गेम्स के जो उद्घाटनकर्ता थे वो हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एशियन गेम्स के उद्घाटनकर्ता थे, तो इस तरह से वो बोलना है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, चमकता हुआ सूरज। एक इस तरह से आपको चमकता हुआ सूरज का एक लोगो मिलेगा एशियन गेम्स के, जहाँ एशियन गेम्स का पेज होता है या एशियन गेम्स के बारे में जहाँ भी पढ़ते हैं, तो उसका प्रतीक चिन्ह यही चमकता हुआ सूरज है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य है सदैव प्रगतिशील। सदैव प्रगतिशील जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो ये हम एशियाई खेल के बारे में देखें। अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान लेते हैं, पहली बार जो संस्करण आयोजित किया गया उसमें क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ खेला गया अपने, तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। टोटल कंट्रीज में 11 भाग लिए थे। प्रथम स्थान जापान रहा था 60 पदक के साथ। फर्स्ट एशियन गेम में प्रथम स्थान पे कौन था, जापान था 60 पदक के साथ। और दूसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ 51 पदक के साथ। फर्स्ट एशियन गेम में भारत दूसरे स्थान पे था, 11 देशों में भारत दूसरे स्थान पे था 51 पदक के साथ, जिसमें से गोल्ड इंपॉर्टेंट बनता है। तो 15 गोल्ड फर्स्ट एशियन गेम में इंडिया की, भारत जीती थी। और अब देखते हैं छोटा छोटा पॉइंट है फ्रेंड, इसी में देख लेते हैं। एशियन गेम जो है वह पहले एशियन गेम फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन कब तक, तो 1982 तक यह एशियन गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता था। और 1951 होना था, पहली बार होना था यह 1950 में, लेकिन कुछ आयोजन में देरी के कारण 1951 में खेला गया और एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता था। कब तक, तो 1951 से लेकर 1982 तक। 1982 तक, शॉर्ट में पॉइंट बना के लिख दीजिएगा कि 1982 तक इसे एशियन गेम फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता था। 1982 में कब हुआ, तो 1982 में भी पुनः दिल्ली में आयोजित हुआ। तो 1982 तक यह एशियन गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 1982 के बाद इसे एशियन ओलंपिक समिति अब इसे संचालित करती है। यह एक पॉइंट बन गया दोस्तों कि 1982 तक पहले इसे एशियन गेम फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 1982 से इसे एशियन ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कभी कभार अगर हो सकता है जब पूछ लिया जाए। तो पहली बार एशियन गेम्स का टीवी पर प्रसारण 1970 में किया गया, बैंकॉक ओलंपिक्स, बैंकॉक एशियन गेम्स से पहली बार टीवी पर प्रसारण 1970 ईस्वी में किया गया बैंकॉक एशियन गेम्स से।
अब फ्रेंड देख लेते हैं हमारा 17वां एशियन गेम्स जो 2014 में आयोजित किया गया, और भी पॉइंट्स बनते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखते पहले हम देखते हैं 17वां एशियन गेम्स जो 2014 में आयोजित किया गया, इचियोन दक्षिण कोरिया में इसको आयोजित किया गया। प्रथम स्थान चीन को मिला था 342 पदक के साथ, और भारत का स्थान 17वें एशियन गेम्स में 8वां रहा। हो सकता है कि पूछ दे कि 17वां एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो दक्षिण कोरिया में किया गया। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन पाए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर सबसे देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि एशियाई खेलों में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक विजेता, मतलब कौन सा खिलाड़ी था जिसने सबसे पहली बार भारत को स्वर्ण पदक जिलाया एशियाई खेलों में, तो वह हमारे थे सचिन नाग 1951 नई दिल्ली। सचिन नाग 1951 नई दिल्ली। ये 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमर थे, मतलब कहने का तैराकी से संबंधित थे सचिन नाग। तो क्वेश्चन इसी यह भी बन सकता है कि एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक विजेता सचिन नाग किस खेल से संबंधित है। अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पुरुष खिलाड़ी के बारे में, अब देखते हैं महिला खिलाड़ी के बारे में। सबसे पहली भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, वह कौन है हमारी, कमलजीत संधू। इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखिएगा, कमलजीत संधू 1970 के बैंकॉक एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब देखते हैं कि सबसे अधिक बार आयोजन करने वाला देश कौन सा, हमारा थाईलैंड। थाईलैंड सबसे अधिक बार आयोजन करने वाला एशियन गेम्स का आयोजन सर्वाधिक 4 बार थाईलैंड अभी तक कर चुका है। और कमलजीत संधू जो है वो 400 मीटर के रेस में भावक थी, 400 मीटर के रेस में जीत 1970 में बैंकॉक थाईलैंड जो एशियन गेम्स आयोजित किया गया, 400 मीटर रेस में कमलजीत संधू स्वर्ण पदक जीती थी। और एक जो और बात याद रखिएगा, 1970 के थाईलैंड ओलंपिक से ही कि सबसे पहली बार टीवी पर आयोजित किया गया, सबसे पहली बार टीवी पर प्रसारित थाईलैंड में। अब देखते हैं सबसे अधिक बार आयोजन करने वाला देश थाईलैंड है, यह सर्वाधिक 4 बार अब तक 4 बार जो है यह एशियन गेम्स को आयोजित कर चुका है। कब दोस्तों, तो देखते हैं 1966 में यह कर चुका है, 1970 में, 1978 ईस्वी का एशियन गेम्स यहीं आयोजित हुआ, और एक 1998 ईस्वी का एशियन गेम्स यहीं आयोजित हुआ। यानी थाईलैंड अभी तक सर्वाधिक 4 बार एशियन गेम्स का आयोजन कर चुका है, 1966, 1970, 1978 और 1998। अब देखते हैं थोड़ा भारत के बारे में, तो भारत 2 बार आयोजित किया है, भारत 2 बार एशियन गेम्स आयोजित किया है। कब कब, पहली बार 1951 यानी फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 ईस्वी, और दूसरा 1982 ईस्वी। मैंने पहले भी एक बार बता दिया था कि 1982 तक इसे एशियन गेम्स फेडरेशन चलाती थी, आयोजित करती थी एशियन गेम्स को, लेकिन 1982 के बाद इसे एशियाई ओलंपिक समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दे दिया गया। ये रहा हमारा भाई। अब देखते हैं सबसे अधिक बार आयोजित, तो भारत 2 बार आयोजित कर चुका है। अब देखते हैं हमारा 18वां एशियाई खेल 2018 के बारे में, यह करंट अफेयर से भी कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो 18वां एशियाई खेल यानी 2018 में हुआ, ये देखिएगा 18वां नंबर याद कर लीजिएगा। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 2018 में एशियाई गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, 2018 में एशियाई गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 18वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, आयोजन स्थान के बारे में, जकार्ता एवं पालमबर्ग इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। अगर देश का ऑप्शन रहे तो देश मारना है, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता और पालमबर्ग। मित्रों पहली बार यह अवसर था कि दो शहर में एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया, एक जकार्ता और एक पालमबर्ग, दोनों में आयोजित किया गया।
अगर इसका मोटो की बात की जाए, उद्देश्य क्या है, तो है मेरा एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया इसका मोटो था 2018 में। और शुभंकर अतुंग एवं काका, अतुंग एक हिरण है, अतुंग हिरण को बोला जाता है, और काका गेंडा की प्रजाति है जो इंडोनेशिया में पाई जाती है। और 18वां एशियाई खेल में प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ, 290 पदक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सिर्फ याद रखिए चीन प्रथम स्थान पर रहा 18वां एशियाई गेम में 290 पदक के साथ। दूसरे स्थान पे कौन है, जापान, 205 पदक मिला। और भारत का स्थान, ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारत का स्थान है 8वां, भारत का स्थान 8वां है 70 पदक के साथ। भारत 8वें स्थान पे इस बार रहा, इसमें गोल्ड, अगर गोल्ड की बात की जाए तो 16 गोल्ड थे, सिल्वर 31 और ब्रॉन्ज 23। भारत का स्थान 8वां रहा 70 पदक के साथ, यह 18वां एशियाई खेल 2018। अब देख लेते हैं आगामी आयोजन, मतलब अगली बार कब आयोजित किया जाएगा और कहां आयोजित किया जाएगा। देखिए 2018 में खेला गया और 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, यानी कब होगा, अब 2022 में होगा। कौन सा संस्करण होगा, 19वां एशियाई खेल संस्करण होगा, 19वां एशियाई खेल संस्करण होगा 2022 में, 2022 में होगा, या हांगजू चीन में निर्धारित है। लेकिन अभी फ्रेंड कुछ नहीं कह सकते हैं, डिसीजन चेंज भी हो सकता है क्योंकि एशिया के दोस्त वो डिपेंड करता है। चलिए ये तो हमारा गया 19वां एशियाई खेल कब आयोजित होगा, ये भी प्रश्न बनते हैं। आगामी आयोजन भी खेल से संबंधित जितने हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और अब देखते हैं 20वां एशियाई गेम, 20वां एशियाई गेम यानी जो 2026 में आयोजित किया गया, वह होगा भाई हमारा जापान में, नागोया में होगा, नागोया जापान में होगा, नागोया जापान में होगा। तो फ्रेंड हमने एशियाई खेलों के बारे में पढ़ा, अब हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एशियाई गेम्स के बारे में हम कुछ बोल देते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एशियाई खेलों का पहला संस्करण 1951 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। किस उद्घाटन करता कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चमकता हुआ सूरज। उसका उद्देश्य क्या है एशियाई खेलों का, एशियाई खेलों का उद्देश्य हमारा सदैव प्रगतिशील, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। एशियाई खेल 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे। पहली बार चूंकि 1950 में होना तय था, लेकिन व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी के कारण या कुछ देरी के कारण 1951 में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा ये नहीं कि पहली बार 1951 में आयोजित किया गया तो दूसरा संस्करण फिर 1955 में आयोजित किया गया, नहीं, दूसरा संस्करण अपने पूर्व निर्धारित समय पर हुआ, 1954 में ही हुआ। और पहले एशियन गेम्स में 11 कंट्री भाग लिए थे। और एशियाई खेलों में पहले यह एशियन गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 1982 में कहां हुआ भाई, तो नई दिल्ली भारत में हुआ। यह भी ध्यान रखना, कैसे लिंकअप बनाना, अगर बोला जाए कि 10 मिनट लिखिए एशियाई खेल के बारे में, एक पन्ना का लिखिए, तो कैसे लिखना है आपके, ये आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने उन सब के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ फ्रेंड कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बाय।